कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने पत्रकारों से संवाद साधते हुए परमबीर सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कैट को गलत जानकारी देकर परमबीर सिंह पर लगे आरोपों का खंडन किया है। ये मामला छोटा नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम इस मुद्दे को विधानसभा में रखेंगे और गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग करेंगे। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से मिला था, उसमें उन्हें कहा था कि ऐसा एक फाइल परमवीर सिंह नाम के एक आईपीएस अधिकारी का है, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया है, उसका फाइल पीएमओ में भी गया है, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिलिपि लिखी थी उसमें, और मैं परमवीर सिंह भी मुझे मिलने आए थे तो मैंने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे पे, तो बोला नहीं मेरे हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे तरह के चलता है, ऐसा उसने बोला था। लेकिन अब मुझे वो पिक्चर क्लियर आ रहा है कि उसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को हाथ में लेकर महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए, जो षड्यंत्र केंद्र में बैठी हुई सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो जिस तरह से बनाया था, वो अब सामने आ रहा है। क्योंकि परमवीर सिंह को दो तीन दिन पहले ही उसको पूर्वलक्षी प्रभाव के आधार पर उसके पूरे फायदे नौकरी में के उसको देने के लिए आदेश राज्य सरकार ने निकाला है। कैट का जो आदेश है उसको बाजू कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हर 3 महीने में इसका रिव्यू लेना चाहिए और उनके सस्पेंड सिंह के बारे में पूरी मालूम आ के उसको एक्सटेंड करना चाहिए, इस तरह के आदेश दिए गए थे। लेकिन राज्य सरकार ने 1 साल में कोई रिव्यू नहीं लिया, उसको ऐसे ही रखा और कैट को गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसके ऊपर के आरोप का खंडन किया गया है, ऐसा हमें पता है। तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार ने, क्योंकि ये घटना बड़ी है, सिर्फ परमवीर सिंह की नहीं है, उस समय के सरकार को नहीं तो महाराष्ट्र को बदनाम करने का पाप जो बीजेपी ने किया है, ये वास्तविकता लोगों के सामने आना चाहिए। ये भूमिका हमारी है, कांग्रेस एक मांग लगा के रहेंगी, विधानसभा में भी ये इशू हम उठाएंगे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य को, महाराष्ट्र जैसे पुरोग्रामी महाराष्ट्र को, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र बनाने का एक आरोप लगाने का काम उस समय में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी और राज्य में बैठी हुई बीजेपी ने जो षड्यंत्र बनाया था, अंबानी के घर के सामने जो स्पोर्ट करवाने का जो मामला हुआ था, ये सब नौटंकी। क्योंकि मैं उस समय भी विधानसभा में कहा था कि जो फडणवीस अपोजिशन लीडर थे, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसा मैंने रिकॉर्ड पे लाया है। तो मुझे अब लगता है कि ये वास्तविकता सामने आ रही है, इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए, राज्य के गृह मंत्री ने और राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी दखल लेना चाहिए और वास्तविकता राज्य के जनता के सामने रखना चाहिए। तो ये मामला विधानसभा में उठाएंगे, राज्य के गृह मंत्री का हम रिजाइन मांगेंगे।